भाजपा सांसद विधायक नगर सेवक का दोष बताकर मनपा की आंख में फोड़। मनपा उपायुक्त ने दिया कार्यवाही का आश्वासन। मुंबई बोरीवली पर में भाजपा नेताओं की नाक के नीचे करोड़ों का अवैध निर्माण हो गया, लेकिन किसी को पता नहीं चला। जब पता चला तो भाजपा नेताओं के होश उड़ गए। सांसद गोपाल शेट्टी ने इस अवैध निर्माण को तुरंत तोड़ने के आदेश मनपा अधिकारियों को दे दिया है। वहीं विधायक सुनील राणे ने मनपा अधिकारी को त्वरित कार्यवाही का आदेश दिया है, जबकि स्थानीय भाजपा नगर सेविका विना दोषी मनपा उपायुक्त संध्या नांदेनकर से मिलकर अवैध निर्माण की शिकायत की है। मनपा सहायक आयुक्त ने तुरंत कार्यवाही करने का आदेश दिया है, लेकिन सवाल खड़ा होता है कि जब लोग लॉकडाउन में अपनी जीवन की सुरक्षा के लिए कोरोना से लड़ रहे थे, तब मनपा की आंख में धूल झोंककर 16 अवैध गाला, 2 अवैध शॉप का निर्माण कर उसे भाड़े पर दे दिया। स्थानीय रहवासी रविंद्र कुमार चौरसिया ने जब भाजपा नेताओं को इस अवैध निर्माण की शिकायत दी तो नेताओं ने मनपा और बोरीवली पुलिस को तुरंत कार्यवाही करने का आदेश दिया है। फिलहाल इस मामले में सांसद रत्न गोपाल शेट्टी ने भाजपा का बैनर हटाने और अवैध निर्माण पर कार्यवाही करने का आदेश मनपा और बोरीवली पुलिस को दिया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। इधर मनेगा बड़ा बड़ा ब्रिगेडर क्या करेगा, दुकान बना दिया, उसमें क्या बोलेगा, कोई बोलते नहीं ऐसा निकल रहा, ऐसा निकल रहा, बोल रहा और ऐसा कहाँ निकल रहा है, ऐसा तो इच्छा भी नहीं आता अभी। मतलब वो तो बना के भाड़ा कमा रहा है, भाड़ा कमा रहा है। नहीं कोई भी बोलेगा ना तो बाद में वीडियो, मोबाइल में वीडियो सबका निकालते जाएंगे, सबका रूम तोड़वा दूंगा, सबको डराते जाएंगे। दोपहर के टाइम जब जेंट्स घर पे नहीं, हाँ तभी आएगा, लोगों को बुलाएगा इधर, लंबा सबको बुला के लेके आएंगे, वीडियो निकलवाएंगे, बोलेंगे सबका रूम टूट जाएगा, कोई कुछ बोलेगा तो सबका रूम तोड़वा दूंगा, ऐसे करके जाते है। कोई जेंट्स करने वाला प्रमोद सावंत है, वो अपने आप को अखिल भारतीय ग्राहक संरक्षण कमेटी का कार्य अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्य अध्यक्ष बनता है, ठीक है। उसी ने पूरा ये इलीगल रूम बनाया है, यहाँ तक कि हम लोग का पानी का पाइपलाइन है उसके ऊपर रूम बनाया है। बाहर हमको सांसद जी ने चेम्बर दिया था, बीएमसी के चेम्बर के ऊपर दुकान बनाया है। और अभी ये इतना प्रॉब्लम है कि हम लोग का जो सीवरेज है, सीवरेज निकालना बहुत मुश्किल हो गया। हम लोग को पहले गाड़ी मंगाना पड़ता है खींचने के लिए, पहले ये सब इश्यू था नहीं। और पहले गाड़ी ट्रक अंदर आती थी, अब ट्रक वगैरह कुछ अंदर नहीं आता है। अगर कोई इमरजेंसी पड़ जाए तो ना एम्बुलेंस आ सकते हैं ना फायर ब्रिगेड आ सकते हैं यहाँ पे। खोखर कंपाउंड में जो इतने साल से जो काम हुआ है, हमने कभी भी उसमें पैर नहीं रखा, ना जानकारी हमें थी। लेकिन एक बार कुछ हुआ और खासदार ने कहा कि वहाँ क्या हादसा हुआ है क्या नहीं, आप देखने के लिए जाओ। हम जब देखने के लिए गए और मिलने के लिए गए कि क्या हुआ, तो वहाँ के कोई व्यक्ति वो थे, उन्होंने हमें कुछ इस तरह से बात करी कि वो बात मेरे मन में नहीं बसी और मैंने तुरंत ही समझ लिया कि ये कुछ इलीगल वर्क हो रहा है। और वहाँ से मैंने निकल के, मैं डिटेल में ज़्यादा नहीं जाऊँगी, ये बात मैंने खासदार साहब को भी सब बताई, आमदार साहब को भी, खासदार गोपाल शेट्टी साहब को बताई, आमदार सुनील राणे साहब को भी बताई। और तुरंत ही मैंने बीएमसी में आकर के मैं डिपार्टमेंट के लोगों को वहीं से ही फ़ोन किया, मैंने गूगल भेजा कि ये एरिया का मुझे स्टेटस बताओ। उन्होंने एरिया का मुझे स्टेटस बताया और वो एरिया है श्री रामनगर ट्रस्ट स्टेटस नंबर 1B/2, सर्वे नंबर है 11, गांव मागा थाने सेक्टर, और उसका स्क्वायर मीटर है 1612। ये सब मैंने उसके पास से बीएमसी से जानकारी ली और मैंने कहा कि यहाँ कुछ इलीगल हो रहा है, आप जाके देखो। और मुझे दुख ये बात का है कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेताओं के बैनर के नीचे उन्होंने जो काम किया है वो बहुत ही गलत काम किया है, क्योंकि हमारे खासदार और आमदार इस चीज़ में बिल्कुल नहीं है, इलीगल चीज़ में बिल्कुल नहीं है। तो मैंने महानगर पालिका को कहा कि आपने ये विषय को लेकर के, ये एरिया को लेकर के आपने पूरी जानकारी लेनी है। आज भी मैंने वही विषय को लेकर के महानगर पालिका ही और वार्ड ऑफिसर मैडम से मैंने बात की और वार्ड ऑफिसर मैडम ने मुझे आश्वासन दिया है कि आप जो भी ये कार्यवाही, जो भी ये हुआ है उसमें हम पूर्ण तरीके से कार्यवाही करेंगे। और मैं यह चाहती हूँ कि अगर महानगर पालिका इसमें पूरा साथ और सहकार देकर के, जनता को साथ और सहकार देगी, तो मैं उसका अभिनंदन करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े दुख के साथ में ये मुझे कहना पड़ेगा कि बोरीवली को जिस मेहनत से पार्टी के कार्यकर्ता और हम सब लोगों ने मिलकर खड़ा किया, उस बोरीवली में आज ये संध्या नांदेनकर और डीएमसी भाग्यश्री कपास से आने के बाद में परिस्थितियाँ बहुत बिगड़ते जा रही है। एक जगह पर मलाड़ में किरण दिगावकर जैसे एक अच्छे ऑफिसर ने इतने बड़े पैमाने पे काम प्रारंभ किया है, तो दूसरी जगह पे बोरीवली में काम बिगड़ते जा रहा है। ये जो खोखर कंपाउंड है रामनगर में, ये 15% आरजी सोसाइटी का जगह था, उसमें एक खाली झोपड़ा था। वो झोपड़े वाले ने एक विजय सेठ नाम के नलिन भाई को बेचा, जो गलत बेचा,
उसने दूसरे झोपड़पट्टी बनाने वाले को बेचा और देखते देखते आज पूरा वो 15% आरजी भर गया है। अब ये जो नया आदमी जिसका आप नाम ले रहे हो, क्या नाम लिया, मैं भी लूँगा, प्रमोद सावंत नाम का कोई आदमी है, ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मिलकर कोई ना कोई पद ले लेते हैं, यहाँ आकर बोर्ड लगाते हैं, उसकी जानकारी नगर सेवक को नहीं होता है, MLA को नहीं होता है, MP को नहीं होता है, और ये इस प्रकार का सब गलत काम करते हैं। अब जागो ग्राहक जागो का उसने बोर्ड लगा दिया, मैं एक सांसद के नाते बोल रहा हूँ कि गलत है, और उसके खिलाफ़ में मैं कंप्लेंट दे रहा हूँ, शिकायत दे रहा हूँ, और शिकायत नहीं दे रहा हूँ तो उसने स्टॉम वाटर ड्रेन के ऊपर दुकान बना दिया। उसके बाद में भी अगर पुलिस और म्यूनसिपालिटी दोनों मिलकर नहीं काम करते हैं तो मुझे लगता है कि खोकर कंपाउंड में जो लोग हैं उनको अगर उनके ऊपर न्याय होना नहीं चाहिए, तो नहीं तो ये लोग क्या करेंगे, जो नया बना रहे हैं उनको सपोर्ट करते हैं और जूने के ऊपर हल्ला करते हैं, जूने के ऊपर हल्ला करते तो वो हमारे पास आते तो हम फ़ोन करते तो बोलते देखो साहब का फ़ोन आ गया, अभी हम कुछ नहीं, ये सब मॉडल्स अप्रेंटिस चला है। यानी कुल मिलकर जो अनऑथराइज करते हैं उनको पुलिस, भ्रष्ट पुलिस और भ्रष्ट म्यूनसिपालिटी के लोग मदद करते हैं। और मैं मीडिया को कहता हूँ, हमारे लोग, मेरे पार्टी के लोग अगर कोई गलत काम में कहीं लिप्त होंगे तो वो भी मुझे आप ध्यान में ला कर दीजिए, मैं उसके ऊपर भी कार्रवाई करूँगा।